So previously we're done with basic differential amplifier. इसमें हमने इसका basic operation discuss करा था differential amplifier का, कि जब हम consider कर रहे थे दो inputs और एक inverting और एक non-inverting input था, उसके reference से हमारे पास जो output produce हो रहा था वो किन steps को follow करते हुए आ रहा था, ये हमने discuss करा था. अब हम इसी को फर्दर आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि वेव फॉर्म्स डिस्कस कर ली थी हमने कि भाई इन्वर्टिंग इनपुट है अगर, तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा था वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, और जब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट था तो हमारे पास आइडेंटिकल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था. अब हम बात करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर. तो हमारे पास यहाँ पे तीन डिफरेंट मोड्स कंसिडर होते हैं फॉर डिफरेंशियल एम्पलीफायर. फर्स्ट इज सिंगल एंडेड मोड, देन वी हैव डिफरेंशियल मोड, और उसके बाद फिर हमारे पास कॉमन मोड आ रहा है. सिंगल एंडेड मोड अगर हम कंसिडर करें तो सिंगल एंडेड मोड बाय दैट मीन्स दैट कि हमारे पास जो दो इनपुट हैं यानी कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो कोई एक इनपुट हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, और दूसरा जो इनपुट होगा उसको हम ग्राउंड कर देंगे. अच्छा, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जब हम ओपैम को कंसिडर करेंगे तो ये आइदर कंसिडर होगा एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अब इसी तरह अगर हम बात करें डिफरेंशियल मोड की, तो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है एक्चुअली इसकी जो एक्चुअल वर्किंग है वो हमारे पास डिफरेंशियल मोड में ही नज़र आ रही होती है. बिकॉज जब हम डिफरेंशियल मोड कंसिडर करेंगे तो एट द सेम टाइम हम दो सिग्नल सप्लाई कर रहे होंगे एट एम्पलीफायर इनपुट्स, और नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग कॉन्फिगरेशन के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, उनका जो डिफरेंस होगा उस वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होके आ रहा होगा. उसके बाद थर्ड मोड हमारे पास आ जाता है कॉमन मोड. कॉमन मोड से मतलब ये है कि व्हेन वी अप्लाई सेम सिग्नल्स एट बोथ इनपुट्स, उस सिनेरियो में हमारे पास क्या होता है कि हम सेम सिग्नल सप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम आ रहा होता है, और वो आउटपुट क्योंकि दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस होता है तो जब वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर से पास होते हैं सेम इनपुट्स तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और एट द एंड हमारे पास जो आउटपुट आता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर से वो ज़ीरो आ रहा होता है. अच्छा, अब इस कॉमन मोड का हमारे पास क्या बेनिफिट है, बिकॉज यू डोंट गेट एनी आउटपुट फ्रॉम कॉमन मोड. स्टिल कॉमन मोड का जो हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इन केस ऑफ नॉइस और अनडिजायर्ड सिग्नल जो हमारे पास आ रहे होते हैं वो अगर हमें कैंसिल आउट करने हों उसके लिए हम कॉमन मोड यूज कर सकते हैं. बिकॉज इन केस अगर आपके पास इनपुट्स पे कुछ इस तरह से सिग्नल्स आ रहे होंगे तो कॉमन मोड के अंदर हमारे पास उसका काम ही यही होगा कि वो जो सेम सिग्नल होगा उसको कैंसिल आउट करेगा और जो रिमेनिंग सिग्नल होगा
उसको आउटपुट पे शो कर देगा। तो इससे एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास अगर इन केस कोई नॉइजेज होंगी तो वो जो है आपकी वो हमारे पास आउटपुट पे अपेयर नहीं हो रही होंगी। तो ये हमारे पास इसका बेसिक पर्पस है कॉमन मोड यूज करने का। बहरहाल अच्छा, मोड्स ऑफ ऑपरेशन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऑफसेट वोल्टेजेस की। ऑफसेट वोल्टेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये ऑफसेट वोल्टेज अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये वो वोल्टेजेस हैं जो कि एक पहली बात तो ये अनडिजायरेबल होते हैं। हम देखा जाए तो हम अलग से ना ही कुछ अप्लाई करवा रहे होते हैं और ना ही ये किसी कंट्रोल वे में हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इसी वजह से इसको हम ऑफसेट वोल्टेज का नाम दे रहे होते हैं। बिकॉज होता ये है कि जब हम दोनों एंड से यानी कि दोनों इनपुट्स को हम ग्राउंड कर देते हैं, इट मीन्स कोई सिग्नल वहां से नहीं जा रहा होता। इस सिनेरियो में क्योंकि कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर आ जाती है इनपुट्स के ऊपर, तो वहां पे हमारे पास वोल्टेजेस क्या होते हैं, ड्रॉप करे आते हैं। यूजली होता ये है कि जब हम प्रैक्टिकल सिनेरियो कंसिडर करते हैं तो वहां पे बेशक दोनों ट्रांसफर सेम टाइप के हों, बट प्रैक्टिकली होता ये है कि जो VB2 है, जो कि 0.7 है, ये दोनों का एग्जैक्ट अगर एट एनी केस सेम नहीं होता तो इनका फिर क्या होता है, डिफरेंस हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस प्रोड्यूस होता है हमारे पास, इसको हम फिर कंसिडर कर रहे होते हैं एज एन ऑफसेट वोल्टेज। यहाँ पे हम जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कंसिडर कर रहे हैं तो ये एक्चुअली क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस टू एमिटर वोल्टेजेस। फॉर द रेफरेंस हमने यहाँ पे एक सप्लायर लगा के जो कंडीशन एक शो की हुई है, ये भी सेम यही चीज एक्सप्लेन कर रही है कि दिस इज एन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। प्रैक्टिकली यहाँ कोई सप्लाई नहीं होती, कोई बैटरी नहीं होती, बट क्योंकि ये दोनों इनपुट्स क्या होते हैं, BJT एम्पलीफायर के इनपुट्स कंसिडर हो रहे होते हैं, तो जब ये इनपुट्स दोनों BJT से पास होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कंडक्शन के वक्त जो VB2 ये दोनों का अगर उसमें कोई डिफरेंस आ जाए तो उसकी वजह से हमारे पास ये ऑफसेट वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इसका क्या रीजन है, इसको एलिमिनेट किस तरह कर सकते हैं, तो ये वोल्टेज एक तो भी मेरी बात हुई इनपुट साइड पे। अब क्योंकि जब इनपुट साइड पे हमारे पास VB2E1 VB2E2 की अगर हम बात करें, इसकी वजह से जो डिफरेंस है हमारे पास वो इनका कोई प्रोड्यूस हो जाए, यानी कि VB2E जो वोल्टेजेस हैं वो दोनों के अगर क्या है सेम नहीं है, उस सिनेरियो में इनका जो डिफरेंस होगा वो ऑफसेट वोल्टेज कहलाएगा। अब क्योंकि ये ऑफसेट वोल्टेज इनपुट पे अप्लाई होगा, इसकी वजह से हमारे आउटपुट में भी क्या होगा, स्लाइट वेरिएशन प्रोड्यूस होंगी। अब ये जो वेरिएशन हमारे पास प्रोड्यूस होंगी, ये एक्चुअली क्या करेंगी, आउटपुट के अक्रॉस भी सेम यही चीज प्रोड्यूस करा देंगी और उसको फिर हम नाम दे रहे होंगे आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब इस चीज को किस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि हम इन वोल्टेजेस को ड्रॉप कहाँ पे करवाएं, सो दैट डिफरेंस जो है एम्पलीफिकेशन में या और किसी उसमें यूज ना हो सके। तो उसके लिए अगर हम पुरानी स्लाइड्स देखें तो वहाँ पर जब ओपैम के बेसिक पिन कनेक्शन देख रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑफसेट नल की पिन यूज हो रही थी, दो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 थी ऑफसेट नल की। अब यहाँ पे ये जो ऑफसेट नल का कॉन्सेप्ट है वो अब यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो हमने ऑफसेट नल नहीं देखा था कि क्या रीज़न होता है इसको लगाने का और क्यों ये यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका मकसद यही था कि जो ऑफसेट नल एक पिन है
ये काम यही करती है कि ये जो ऑफसेट वोल्टेज होता है ये इसको अपने पर ड्रॉप कर रही होती है। जितना ऑफसेट हमारे पास आएगा ये उस हिसाब से रेजिस्टेंस क्या होगी एडजस्ट होगी और वो ऑफसेट क्या होगा ड्रॉप हो जाएगा उसके ऊपर, जिसकी वजह से हमें आउटपुट के अक्रॉस कोई ऑफसेट वोल्टेज प्रोड्यूस होता नजर नहीं आएगा। ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज के रेफरेंस से कंडीशन थी। अब ये तो अभी बात हो गई वोल्टेजेस की, अब अगर हम बात करें करंट की, तो जब हम लोग ऑफसेट वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकता है तो ऑब्वियस है कि कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जहां पे ऑफसेट करंट भी प्रोड्यूस हो। जब हम बात करते हैं इनपुट ऑफसेट करंट की, तो हमारे पास होता ये है कि हम एक इनपुट ग्राउंड कर रहे होते हैं और दूसरा जो इनपुट है उसे सप्लाई दे रहे होते हैं, तो क्योंकि दोनों इनपुट्स की रेजिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा होता है तो जो लो रेजिस्टिव पाथ होता है उधर हमारे पास क्या होता है यूजली एक्स्ट्रा करंट फ्लो कर जाता है, वो करंट कहला रहा होता है इनपुट ऑफसेट करंट। अच्छा, इसका एक और जो रीजन होता है वो आया था हमारे पास, अगर हमारे पास जो ट्रांजिस्टर की बीटा रेटिंग है अगर उनमें डिफरेंस है तो उसकी वजह से भी, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर का बिहेवियर डिफरेंट होगा तो वहां पे भी फिर हमारे पास क्या होगा ये करंट प्रोड्यूस होके आ रहा होगा। यहाँ पे अगर हम ये फिगर देखें तो इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक कंपनसेटिंग रेजिस्टर कनेक्ट करा है। जिसका मकसद ही यही है कि इन केस अगर कोई डिफरेंस आता है इनपुट करंट्स में तो वो यहाँ से क्या हो जाए कवर हो जाए। और अगर देखें तो ये जो आर सी है ये एक्चुअली आर इन और आर एफ का पैरल है। यहाँ पे हमने इसी का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसको हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे प्लेस कर दिया है सो दैट हमारे पास जो इनपुट ऑफसेट करंट है वो प्रोड्यूस ना हो सके यूजिंग कंपनसेटिंग रेजिस्टर। जिस तरह से अभी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की बात हुई थी इसी तरह ये इनपुट ऑफसेट करंट है। अब इन केस जब हमारे पास ये ऑफसेट करंट अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो उसकी वजह से जो ऑफसेट वोल्टेज भी हमारे पास पहले आ रहा था तो वो पार्ट भी, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे फिर अकर नहीं हो सकेगी। अच्छा, इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो सी एम आर आर। हमारे पास कॉमन मोड एक इसी में डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो तीन मोड्स थे उसमें एक मोड था कॉमन मोड, और कॉमन मोड पे हमारे पास यही हो रहा था कि हम दो सेम सिग्नल सप्लाई कर रहे थे अक्रॉस द इनपुट, जिसकी वजह से क्योंकि आउटपुट पे हमारे पास दोनों इनपुट्स का डिफरेंस जाता है तो वो क्या हो रहा था कि वो डिफरेंस यहाँ पे जीरो हो जाता था, कैंसिल आउट हो जाता था और एट द एंड हमारे पास आउटपुट पे जीरो आ रहा होता था, यानी कि आउटपुट हमारे पास इधर प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता था। इसी के लिए हमारे पास फिर एक टर्म यूज होती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका काम ही यही होता है कि ये कितने इफेक्टिवली सिग्नल, सेम सिग्नल्स को रिजेक्ट कर रही है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं मेजर कर रहे होते हैं। बिकॉज आप सिग्नल सेम भी दे रहे हैं बट स्टिल अगर इंटरनली हमारे पास ट्रांजिस्टर की कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है या फिर ट्रांजिस्टर की बीटा वैल्यूज डिफरेंट हैं, अगर स्लाइडली भी डिफरेंट हैं तो उसकी वजह से भी ये शायद डिफरेंस हमारे पास जो कि जीरो होना चाहिए ये शायद कोई वैल्यू प्रोड्यूस कर दे,
उसके लिए फिर हम यहाँ पे CMRR यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास एक्चुअली होता है इट्स रेशियो ऑफ वोल्टेज गेन ड्यूरिंग डिफरेंशियल मोड ओवर रेशियो ऑफ वोल्टेज गेन ड्यूरिंग कॉमन मोड। यहाँ से हमारे पास कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो फाइंड आउट होता है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास वोल्टेज गेन है डिफरेंशियल मोड में 1500 और कॉमन मोड में जो वोल्टेज गेन है वो है 0.01, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो प्रोड्यूस होगा वो होगा 150,000। सेम वैल्यूज हैं तो ये यूनिट लेस होगा। तो ये हमारा CMRR को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई हम क्यों कॉमन मोड को कंसिडर कर रहे होते हैं, तो ये एक्चुअली रीज़न इसका ये है कि हम CMRR की बात करते हैं तो ये बता रहा होता है कि आपका जो ओपैम है इसके अंदर कितनी एबिलिटी है टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल्स। तो उसकी वजह से हमारे पास ऐसा भी होता है कि जो कॉमन मोड सिग्नल्स होते हैं ये कुछ केसेस में अनडिजायर्ड सिग्नल्स होते हैं जो कि किसी भी इंटरफेरेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो वो चीज़ फिर यहाँ से ओवरकम हो जाती है। अच्छा, CMRR के बाद अब हम डिस्कस करेंगे स्लू रेट। स्लू रेट की अगर हम बात करें तो आई गेस स्लू रेट शायद हम पहले भी कहीं पढ़ी होगी, बट अगर नहीं भी पढ़ी तो स्लू रेट एक्चुअली डिफाइन ये कर रहा होता है कि हमारे पास लेट्स से हम इनपुट कुछ देते हैं, अब उस इनपुट की बेस पे आउटपुट हमारे पास कितना रैपिडली चेंज हो रहा है, कितना रैपिडली रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको हम स्लू रेट का नाम देते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन की तो उधर हमारे पास स्लू रेट बहुत मैटर कर रहा होता है, बिकॉज उधर हमारे पास जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो यूजली बहुत हाई होती है। तो वहाँ पे अगर इनपुट प्रोवाइड करते ही आपके पास रैपिड चेंज, जब एक आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आता तो वो फिर सिस्टम हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। तो इसी वजह से हमें स्लू रेट भी कंसिडर करना पड़ रहा होता है जब भी हम ओपैम को देखते हैं। तो अब स्लू रेट को ही हम यूज़ करते हुए किसी भी ओपैम की कैपेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है जिस पर ये रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो स्लू रेट का जहाँ पर फार्मूला है, जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, वो है स्लू रेट ओवर 2πVEK। हमें एग्जाम्पल दी हुई है, वी हैव टू माइंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी फॉर द गिवन सर्किट। यहाँ पे हमें मेंशन है कि जो आर एल है वो 2 kΩ से 10 kΩ तक आ रहा है। तो उसके हिसाब से अब हमें अगर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो पहले तो हमें यहाँ स्लू रेट पता होना चाहिए, जो कि यहाँ गिवन है 0.5 वोल्टेज पर माइक्रो सेकेंड। तो इसको यूज़ करते हुए अगर हम एफ मैक्स का फॉर्मूला देखें जो कि था स्लू रेट ओवर 2πVPK, तो यहाँ पे हमारे पास जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की उसको अगर हम देखें तो क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की रेंज आ रही है 2 kΩ से 10 kΩ, इट मीन्स 2 वोल्ट हमारे ड्रॉप होंगे जो मैक्सिमम वोल्टेज था इसका, यानी कि 10 वोल्ट है तो 8 वोल्ट मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पर पीक वैल्यू आ सकती है।
इस हिसाब से हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ओपन की होगी वो होगी 9.94 किलो हर्ट्स। इसी तरह नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें हमें स्लू रेट और वोल्टेज बोला हुआ है, गिवन है, और हमें फाइंड आउट करने को कहा है मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे भी अगेन हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्लू रेट हमें दिया हुआ है तो ये क्योंकि पर माइक्रो सेकेंड है तो इसको हम फ्रिक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप 0.5 पर माइक्रो सेकेंड है, यानी कि अगर मैं जो माइक्रो सेकेंड है उसका इन्वर्स ले लूँ तो जो मेरे पास वैल्यू आ रही होगी वो एक्चुअली फ्रिक्वेंसी ही होगी। तो वो हमारे पास यहाँ पे 500 किलो हर्ट्स आ रही है एट गिवन डाटा। इसके बाद एक और एग्जांपल है जिसमें हमें यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसमें प्रोवाइडेड है कि भाई हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है उसके रेफरेंस से पीक आउटपुट वोल्टेज हमारे पास आ रहा है 100 मिली वोल्ट, और मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, स्लू रेट गिवन है 0.5 वोल्टेज पर माइक्रो सेकेंड। तो अगेन यहाँ से मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ बार बार बात कर रहे हैं स्लू रेट की एंड देन मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो अब हमारे पास ऐसा क्या चेंज आएगा इन केस अगर हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो उसकी रेटेड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो। तो अगर हम यहाँ पे दो डायग्राम्स देखें तो ये हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म थी, बट जब ये आउटपुट पे प्रोड्यूस हुई तो ये हमारे पास इसका शेप कम्प्लीटली चेंज हो गया, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म थी उसमें हमारे पास आउटपुट पे आ रही है। इसी तरह फिगर बी है, इसके अंदर भी कंडीशन यही है कि हमने इनपुट तो दी थी स्क्वायर वेव, बट क्योंकि अगेन हमारे पास सेम इशू था स्लू रेट डिस्टॉर्शन की वजह से, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया आउटपुट वेव फॉर्म जो थी वो उसने अपने शेप कम्प्लीटली चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास कंडीशन आती है इन केस के हमारे पास जो ओपैम है उसकी अपनी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी में कहता हूँ लेट से है 5 किलोहर्ट्ज़ और हम इसको दे रहे हैं 6 किलोहर्ट्ज़ या अबव 5 किलोहर्ट्ज़। तो ये हमारा लेक्चर यहीं तक लिमिट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें लास्ट हमने स्लू रेट डिस्टॉर्शन देखा है कि अगर फ्रिक्वेंसी चेंज होती है या लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो तो वेव शेप कम्प्लीटली क्या हो जाता है, हमारा आउटपुट का चेंज हो जाता है।